हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चार डिफरेंट और स्टाइलिश चोटी जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने बालों के साथ ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बनाने वाले हैं साइड चोटी, तो इसके लिए हम सारे बालों को अपने एक तरफ ले लेंगे जहाँ भी हमारा पार्टीशन डलता है। तो सबसे पहली है हमारी फिश टेल ब्रेड। हम करेंगे अपने बालों के दो पार्टीशन और अपनी उंगलियों की मदद से हर एक स्ट्रैंड को क्रॉस करेंगे। एक स्ट्रैंड को लेंगे और दूसरे वाले पार्ट में मिक्स कर देंगे। स्ट्रैंड को लेंगे और एक दूसरे वाले पार्ट में ऐसे मिक्स कर देंगे। बस इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। अपनी उंगली को ही यूज़ करते हुए पूरी अपनी चोटी बना लेनी है। चोटी बनने के बाद उसे आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर उसे थोड़ा सा लूज करके उसे एक थिक लुक भी दे सकते हैं। सो हमारी सेकंड चोटी है फॉक्सटेल ब्रेड। इसके लिए हम अपने साइड पार्टीशन की एक पोनीटेल बनाएंगे पतले रबर बैंड की मदद से और फिर उसे थोड़ा सा वॉल्यूम अप करेंगे बालों को लूज करके। अब एक और रबर बैंड की मदद से हम एक सेक्शन बना लेंगे जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे। फिर इस सेक्शन के हम बीच में हल्का सा होल करेंगे और अपनी चोटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फिर उसमें से हम थोड़े से बालों को लूज करते हुए उस चोटी को अच्छा सा टेक्सचर दे देंगे। बस इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अपने पूरे बालों की लेंथ को इस ब्रेड से कवर कर देंगे। ये वाला स्टाइल किसी भी लेंथ के बालों के साथ बहुत ही अच्छे से बन जाती है और बहुत बहुत ही सुंदर लगती है। यू कैन सी दी आउटकम, है ना? ये बिल्कुल ईजी और सिंपल और स्टाइलिश। सो ट्राई दिस ऑन योर ओन। सो हमारी नेक्स्ट चोटी है फोर स्ट्रैंड ब्रेड। इसके लिए हमें अपने बालों के चार पार्टीशन करने हैं, इक्वल पार्टीशंस 1, 2, 3 एंड 4, जस्ट लाइक दिस। अब हमें हमारे थर्ड वाले पार्टीशन की नॉर्मल सी ब्रेड बना देनी है जो हमारी रेगुलर ब्रेड होती है। थर्ड पार्टीशन जो कि बाहर की तरफ से थर्ड नंबर पर है उसकी। सो इसकी हम बना लेंगे नॉर्मल 3 स्ट्रैंड ब्रेड जो होती है हमारी रेगुलर वाली चोटी, पूरी उसको कवर अप कर लेंगे। ये चोटी बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। सो इसका प्रोसेस भी बहुत ही इजी है। हमें करना ये है, हमारे जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है और जो फोर्थ वाला पार्ट है उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और जो हमारी नॉर्मल वाली ब्रेड है उसे हमेशा बीच में रखना है। सो प्रोसेस फॉलो करते हुए अंडर एंड ओवर क्रॉस करना है नॉर्मल नीचे की तरफ से, देन ऊपर की तरफ से। हम इसको नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर लास्ट वाली को ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे और जो हमारी नॉर्मल ब्रेड है उसको बीच में स्टक करके रखेंगे। बस इसी तरह से हमारी पूरी चोटी बनके तैयार है। अब इसे हम नॉर्मल से हल्का हल्का लूज कर लेंगे जिससे इसको बहुत ही सुंदर सा लुक मिल जाएगा। सो गाइस, ट्राई दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल एंड डू शेयर विथ मी योर व्यूज, थॉट्स एंड आइडियाज about my videos in the comment section below. बनाने में जितनी interesting, दिखने में उससे भी ज़्यादा सुंदर। आपकी क्या राय है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। So हमारी last चोटी है pull through braid। हमें अपने बालों के दोनों तरफ से थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और उसे पतले वाले रबर बैंड से बांध लेना है। फिर जो बचे हुए बाल हैं हमारे पीछे की तरफ उसके भी दो पार्ट करने हैं और उन्हें आगे की तरफ लाकर पतले वाले रबर बैंड से बांध लेना है। बस यही प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें अपनी पूरी चोटी को कंप्लीट करना है।
जो पीछे वाला पार्ट है उसके दो सेक्शन करके आगे की तरफ लाना है और रबर बैंड से उसे सिक्योर कर लेना है। अब ये जो सेक्शन है इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पुल आउट करेंगे और एक अच्छा सा वॉल्यूमिनस लुक दे देंगे। वही प्रोसेस हम नेक्स्ट वाले सेक्शन के साथ भी फॉलो करेंगे। अगर आपके बाल पतले हैं तो आप ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई करें। इससे आपके बालों को बहुत हैवी लुक मिलता है और चोटी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, जस्ट लाइक दिस, है ना, एकदम हैवी लुक वाली चोटी और बहुत ही सिंपल। सो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा एंड मिलते रहेंगे इसी तरह से नई हेयर स्टाइल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।